चलिए अपनी एक और स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, चारू, जो दिल्ली से हैं और इनका ऑल इंडिया रैंक 234 है और इनको एनआईटी वारंगल अलॉट हुआ है। ऑनलाइन स्टूडेंट है चारू। तो चारू, सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो चारू ने ऑनलाइन रहते हुए पढ़ाई करी है, दिल्ली से पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन भी वहीं से किया था, और क्योंकि दिल्ली में रहे हैं तो पता है कि अच्छे कॉलेज की क्या वैल्यू होती है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं था कि लाइफ में क्या करना है। तो चारू, आपकी जो सक्सेस जर्नी है वो बताएं आप, और ऑनलाइन आपका जो एक्सपीरियंस है वो बताएं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम चारू है और मैंने बीसीए करी है दिल्ली में, और 2020 में मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया था। सो 2020 में भी मैंने निमसेट का पेपर दिया था, और उसके लिए मैंने खुद से ही घर पे पढ़ाई करी थी, कुछ 6-7 महीने करी होगी। अपनी आरडी शर्मा उठा ली या जो भी मैं 11th 12th में बुक्स यूज़ किया करती थी उन्हीं से मैंने पढ़ा। एंड फिर कोरोना आ गया, थोड़ा सारी चीज़ें डिले होने लग गई, तो थोड़ा थोड़ा घर बैठे बैठे ही पढ़ती थी मैं भी, लॉकडाउन हो गया था। सो थोड़ी डिले पढ़ने लग गई थी मैं चीज़ों को लेके। एंड पेपर जो था जो मई में होता था वो अक्टूबर तक खिंच गया था, तो मैं वैसे ही थोड़ा डिले हो गई थी कि डेट भी नहीं आ रही है, तो काफ़ी ढीला ढीला पढ़ने लगी थी। एंड जब पेपर हुआ तो चीज़ दिख भी गई कि मैंने पढ़ाई में कितना ढीलापन दिखाया, बिकॉज मेरी रैंक कुछ 800 के आसपास आई थी, एंड दैट वाज नॉट सफिशिएंट कि मुझे कोई एनआईटी अलॉट हो। एंड के एनआईटी भी मुझे थर्ड राउंड तक नहीं अलॉट हुए थे। एंड तब मैं थोड़ा ऐसे हो गई थी कि यार मैं तो बहुत हवा में चली गई थी कि हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। एंड उस वक्त मुझे थोड़ा मैं डाउन हो गई थी कि अब क्या करूँगी, कुछ ऑप्शन ही नहीं रहा, ड्रॉप लेना पड़ेगा, ड्रॉप लूंगी पता नहीं मम्मी पापा मानेंगे नहीं मानेंगे, अब 1 साल चला जाएगा क्योंकि मैंने पहले कभी ड्रॉप नहीं लिया, ग्रेजुएशन के टाइम पे भी नहीं लिया था। सो उस वक्त थोड़ा घबरा गई थी, बट फिर अपनी एक फ्रेंड से मैंने बात की और हम दोनों ने डिसाइड किया साथ में कि ड्रॉप करेंगे और अगले साल के लिए पढ़ेंगे। सो तब मैंने थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया पढ़ाई को, एंड देन मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। और उस वक्त मुझे क्लैरिटी आई, मैंने जब थोड़ा पढ़ना शुरू किया, ऐसा नहीं था कि मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं आते थे, मैं 11th 12th में मैथ्स की स्टूडेंट रही थी, इसी वजह से शायद मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि मैं क्लियर कर लूँगी 2020 में, बट ऐसा नहीं हो पाया। जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैंने देखा कि पढ़ने का तरीका क्या है, तब मुझे ये चीज़ समझ आने लगी कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पता होने से सब कुछ नहीं होता, आपका पेपर के टाइम पे मेंटल स्टेट कैसा है, आप एक क्वेश्चन को कैसे देख रहे हो, उस क्वेश्चन को करने के बतेरे तरीके हो सकते हैं, ऐसा भी तरीका हो सकता है जो 3 या 4 मिनट ले जाए, बट उस क्वेश्चन को करने का ऐसा भी तरीका हो सकता है जो शायद 40-45 सेकेंड ही ले, तो वो चीज़ पता होना भी ज़रूरी था। और जब मैं पढ़ती थी तो मैंने वही अपने सब्जेक्टिव तरीके से ही पढ़ा था जैसे मैं 11th 12th में पढ़ती आई थी, बट बाद में जब मैंने दोबारा प्रिपेयर करना शुरू किया ड्रॉप लेके, तब मैंने ये चीज़ दिमाग में मेरे क्लियर हुई कि जिस पेपर के लिए मैं अब पढ़ रही हूँ वो एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे सिर्फ नॉलेज, मतलब नॉलेज होना जरूरी है, बट सिर्फ नॉलेज से काम नहीं बनेगा, उसके अलावा भी 2-3 चीज़ें हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, क्वेश्चन को करते कैसे हो आप उसको किस तरीके से कर सकते हो, आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, वो सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है जिसपे उस वक्त मेरी कमांड नहीं थी। तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया, थोड़ा बहुत पढ़ा, क्लासेस भी इनिशियली ज़्यादा होने लग गई थी तो मैं अपना शेड्यूल भी ठीक से नहीं बिठा पाई थी, और फिर मॉक्स भी होने लग गए थे, अब मेरा क्लास का शेड्यूल ही नहीं बनता था, मैं ठीक से तब भी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी स्टार्टिंग में, तो मैंने मॉक्स भी स्टार्टिंग में नहीं दिए। फिर भी तब मेरी फ्रेंड है लपाक्षी, वो और मैं दोनों यहाँ साथ पढ़ते हैं, तो फिर उसने मुझे बोला, उसने मेरे को पुश किया कि यार मॉक देना जरूरी है। मैं अभी भी ऊपर ही थी वही कॉन्फिडेंस में कि यार अब तो मैं वीडियोस भी देख रही हूँ हो जाएगा, लेकिन नहीं, और भी चीजें थी जो कंसिडर करनी थी, मॉक देना जरूरी था ताकि मैं एक्चुअल में समझ पाऊँ कि मेरे पढ़ने से कुछ इंप्रूवमेंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, क्या मैं अभी भी टाइम मैनेज कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, क्या मैं अभी भी वो क्वेश्चंस क्रैक कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो वो सब चीज़ों पे थोड़ा कमांड लाने में मुझे टाइम लगा, पहले मैं मतलब शेड्यूल हो जाता था, काफ़ी हेक्टिक सा हो जाता था, और मतलब सुबह क्लासेस हो गई फिर मॉक हो गए, उसके बाद सर ने हमें ये भी बताया कि आपको पेपर का एनालिसिस भी करना है, और जब खुद एनालिसिस करने बैठते थे तो कम से कम 3 या 4 घंटे एक पेपर के लग ही जाते थे, ईजिली लग जाते थे, तो उसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता था। सो पहले हेक्टिक होने लगा था, बट फिर धीरे धीरे उस फॉर्म में आ गए, फोकस करने लगे थोड़ा ज़्यादा। बट इसमें मैंने एक चीज़ ये देखी कि अगर आप पढ़ रहे हो तो मतलब आवर्स आर इम्पॉर्टेंट, आपको एक शेड्यूल बना के रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे इतने घंटे पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पढ़ रहे हो
तो जितना टाइम आप दे रहे हो आप उसी चीज को दो जिस चीज को आप कर रहे हो। उस वक्त आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए कि अच्छा यार 2 घंटे बाद मेरा ब्रेक है, मैं ये करूंगा, मुझे आज गेम खेलना है, मेरा पबजी का मैच है, ये करूंगा वो करूंगा। उस वक्त जो कर रहे हो उसी में फोकस रहो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, ये चीज मैंने ट्राई करी, हो भी गई, बट मेरे फोकस आवर्स बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे। ऐसा था कि 2 घंटे 2.5 घंटे बैठती थी, तो जितना पढ़ पाई उस वक्त, बस ये था कि जितना पढ़ रही हूँ उसी में मेरा दिमाग है। उस वक्त मेरे को कोई होश नहीं है कि घर में घंटी बजी है, कोई आ रहा है, पापा बाहर जा रहे हैं, मम्मी किसी काम के लिए बुला रही है, उस वक्त कुछ कुछ भी नहीं सोचती थी, सिर्फ पढ़ती थी उस वक्त। बट अभी भी कहीं ना कहीं कमी जा रही थी क्योंकि जो फोकस आवर्स थे वो कम थे और एनालिसिस भी करना था। तो उसके लिए मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स जो यहीं पढ़ते हैं, लिपाक्षी और सूरज, नाम जरूर लूंगी उनका क्योंकि आज मेरी रैंक आई है उसमें उन दोनों का बहुत 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 बड़ा हाथ है, ये मैं सही बोल रही हूँ। और उसका रीजन ये है, हम एनालिसिस करते थे तीनों साथ बैठ के करते थे, क्योंकि अकेले करने बैठते थे 3-4 घंटे लग जाते थे और होता भी कितना था, अपने आप बोर हो जाते थे, चीजें दिमाग से निकल जाती थी। लेकिन जो हम 3 लोग एनालिसिस करते थे, हम 3 लोगों के ग्रुप में ये बात अच्छी थी कि हम तीनों अलग अलग सेक्शंस में अच्छे थे। अगर मैं अच्छी थी, मैं सही बताऊं, मैं लॉजिकल में बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छे आती थी लॉजिकल, और सूरज और लिपाक्षी कंप्यूटर में अच्छे थे, मैथ्स में अच्छे थे। सो हम एक दूसरे को ऐसे एरियाज में जो हमें नहीं आते थे या जिसमें हम कमजोर थे उसमें एक दूसरे को हेल्प कर दिया करते थे। तो दूसरी चीज जो मैंने यही सीखी कि खुद से पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपके साथ कोई है, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, तो आपका उसको सपोर्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो मुझे कुछ पढ़ा रहे हैं तो मेरा भी उन्हें बताना जरूरी है। अगर वो मुझे ऐसी कोई चीज आती है जो उन्हें नहीं आती है तो मेरा भी वो बताना जरूरी है। एक कॉम्पिटिशन होना इज गुड, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना, हेल्दी हो, आप अपने दोस्तों को सपोर्ट कर रहे हो, वो आपको सपोर्ट कर रहे हो, दोनों साथ में उठें, साथ में इम्प्रूव करें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हम एनालिसिस करते थे, पढ़ते रहते थे, हमें ये भी पता लगने लग गया था कि दूसरे बंदे को क्या चीज नहीं आती है, और जब वो चीज दोबारा 10-15 दिन बाद हमें दिख जाती थी, हम उसी बंदे को पकड़ते थे जिसको नहीं आती थी कि चल तू बता, तेरे को पिछली बार बताया था, तेरे को कितना याद है। सो वो चीज भी काफी काम करी, हमारे खुद के दोस्त हमें टोकते रहते थे, ये टोकने टोकने से ही कई चीजें याद हो गई, कई चीजें समझ आने लग गई। और बाकी सर की जितनी बातें थी, जो सर कहते हैं कि इस चीज को फॉलो करो, डिमोटिवेट नहीं होना है, पेपर का एनालिसिस करना है, वो सारी चीजें मतलब ऐसी नहीं है, मतलब सुनने में अच्छी लगती है, ग्लोरिफाइड नहीं है, सबको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो सभी बोलते हैं ऐसा करना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए, बट कुछ भी ग्लोरिफाइड नहीं है। आप उस चीज को फॉलो करोगे आपको खुद डिफरेंस दिखने लगेगा। एंड एक चीज और कि खुद पर फेथ होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद पे ही फेथ नहीं रखोगे कि ये मुझसे हो जाएगा या मतलब मैं कर सकता हूँ, जब तक आपके अंदर ये फीलिंग नहीं होगी आप नहीं कर पाओगे। दुनिया का कोई इंसान आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर आपके अंदर से ही वो चीज नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो वो चीज होना एक्चुअली मुश्किल है। ये चीज भी यही मैंने सीखी है। मतलब सर मोटिवेट करते थे, काफी मोटिवेट करते थे, बट वो मोटिवेशन मुझे तभी जाके लगी जब मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये चीज मैं खुद से कर लूंगी, ये मैं इसमें इतने एफर्ट्स डाल सकती हूँ, मेरी जो बुद्धि है वो इतनी भी मंद नहीं है कि मैं ये चीज ना सीख पाऊँ, मैं कर सकती हूँ। खुद पे पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं है, बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। सो बस शांत मन से पढ़ें और सब बढ़िया रहेगा। और एक चीज जो मैं कहना चाहती थी वो ये थी कि जब मैंने ड्रॉप तो ले लिया, अब मैं पढ़ने भी लग गई, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊंगी ठीक से, नहीं कर पाऊंगी, एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी। तो उसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल रहा। मैं पहले बहुत नर्वस हो गई थी कि वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, वो मेरे ड्रॉप के डिसीजन को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट उन्होंने ही सपोर्ट किया, इसी वजह से मैंने ड्रॉप लिया और मैं शांति से पढ़ पाई। कि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे है, वो किसी भी तरीके से मुझे जज नहीं कर रहे हैं कि मैं पहले रैंक नहीं ला पाई, और जितना सपोर्ट हो सकता था मुझे उनसे मिला। मुझे जो प्राइवेसी चाहिए थी, जो रिसोर्सेस चाहिए थे, सब कुछ जो चाहिए था मुझे
उन्होंने दिया, ऐसा भी नहीं कि मेरे को घर के कामों से बोझ डाल दियो कि नहीं तुम घर पे बैठे हो, ये भी करो वो भी करो, पढ़ते भी रहना। उन्होंने जो स्पेस मुझे चाहिए था, वो जो प्रिवेसी मुझे चाहिए थी, वो सब मुझे दी। मुझे फोकस करने के लिए जैसा एनवायरमेंट चाहिए था, वो सब मुझे उन्होंने दिया। इसलिए मेरी इस रैंक लाने में मेरे मम्मी पापा दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। सो मैं उनको भी थैंक यू करना चाहती हूँ, और भगवान जी का भी बहुत हाथ है कि उन्होंने मेरा फोकस बनाए रखा और सब कुछ अच्छे से हो गया उनकी मदद से। थैंक यू सो मच। देखिए, अभी जो चारू ने बोला, जब बच्चे आते हैं ऑनलाइन वाले, तो मैं उनको बहुत ध्यान से सुनता हूँ। कई सारी चीजें होती हैं जो सीखने वाली होती है। सबसे पहले चारू को ये क्लियर हो गया, होता क्या है कि ये बिल्कुल सच है कि जब हम नॉर्मल स्टडी कर रहे होते हैं और क्वांटिटी स्टडी में डिफरेंस होता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 4 मिनट भी ले सकता है और 40 सेकंड भी, डिपेंड करता है क्या टेक्निक है। दूसरी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, कई बार जब फ्रेंड्स का ग्रुप बन जाता है तो कई बार पढ़ाई नहीं होती या फिर वो ढंग से नहीं करते। दूसरा, एक दूसरे की कमजोरियां नहीं बताते। जो मुझे सबसे कीमती पॉइंट लगा इसका, जो चारू ने बोला, वो आप सब लोगों के लिए समझना जरूरी है। एक तो आप कभी ग्रुप में पढ़ाई करें नहीं, करें तो 2 या 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 लोग हों, और हर एक की कमी को अगर आपने पकड़ लिया और वो कमी वाला क्वेश्चन जब आया आपने जब उसको सॉल्व करवा दिया, तो समझ लीजिए वो आपकी असली फ्रेंडशिप है। और आपने उसकी कमी को जानने के बाद भी उसको नहीं बताया, बल्कि सोचा अच्छा कम है, मेरी रैंक आगे जाएगी, तो ये फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। तो चारू, ये बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। मैं बहुत ध्यान से हर बच्चे को सुनता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सब बच्चों को बोलूंगा कि देखिए, ये एक ताकत होती है। तीनों बच्चे इंपिटस गुरुकुल के ऑनलाइन स्टूडेंट थे, तीनों ने अच्छी रैंक ली, अभी मैं मिलवाऊंगा उनसे भी आपको। तो एक दूसरे की कमियों को समझा और पेपर के एनालिसिस पे ध्यान दिया, क्योंकि वो पूरी पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पेपर एनालिसिस, उसके बिना कुछ नहीं होता। तो ये आपने सब किया और बहुत अच्छे से फॉलो किया और इतनी अच्छी रैंक आई। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, और ऐसे ही आगे अपने जूनियर्स को भी मोटिवेट करना है। ऑल द बेस्ट।